हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इजी कुकिंग आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चटपटे आलू पनीर के लच्छेदार समोसे जिनको आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटे से बनते हैं तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाना एकदम आसान है तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा चलिए देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया है इसके अंदर डाल देंगे दो चम्मच घी ये देखें तो घी हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए इसी के साथ साथ हम यहाँ पर नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और अब हम इन सबको ख़ूब अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखें इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो दोनों हाथ से हम इसको इस तरह से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे रफ़ करेंगे इसको खूब अच्छे से ताकि हमारा जो घी है वो मैदा में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए और ये देखें यहाँ पर ये हमारा मैदा खूब अच्छे से तैयार हो चुका है इस तरह से इसको करके देखें तो इसके अंदर ये मुट्ठी से पड़ने लगी है तो अब हम यहाँ पर ये पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे तो ध्यान रखें पानी एक बार में सारा ना डालें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका डो तैयार करें तो इसका डो हमें एकदम नॉर्मल चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और पतला भी ना हो तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डो तैयार हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा डो तैयार हो गया है तो अब हम इसको ढक कर के छोड़ देंगे बीस मिनट के लिए ये देखें ऊपर से हम यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी लगा देंगे डो के ऊपर और बस हम इसको ढक कर के छोड़ देते हैं बीस मिनट के लिए और जब तक हम इसके आलू तैयार कर लेंगे जब तक हमारा डो तैयार होगा और इधर ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है इसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून कोकिंग ऑयल डाल दिया है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हींग डाल देंगे फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ कप यहाँ पर हम फ्रोज़न मटर डाल देंगे इनको मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से तो ये देखिए यहाँ पर ये हम नमक डाल देंगे जैसा आपको चाहिए और बस इसको भी मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लोअ कर लेंगे यहाँ पर और लो फ्लेम पर हम इसको दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे ढक करके और ये देखिए यहाँ पर मैंने मटर को दो तीन मिनट के लिए पका लिया है लो फ्लेम पर और ये हमारी ज़बरदस्ती मटर तैयार हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चे तो मैंने यहाँ पर ये दो हरी मिर्चे ली हैं इनको मैंने कट कर लिया है ये डाल दी है आप अपने हिसाब से डाल लेना और अब हम यहाँ पर डाल देंगे पाउडर मसाले एक टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया डाल दिया है एक टीस्पून स्पून कूटी हुई मिर्ची डाल दी है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून स्पून चाट मसाला डाल देंगे और एक टीस्पून हम यहाँ पर ये भुना पिसा ज़ीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और बस इन सबको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से और अब हम यहाँ पर डाल देंगे आलू तो मैंने यहाँ पर ये यह 300 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं इनको मैंने छील लिया है तोड़ लिया है तो ये यह देखिए यहाँ पर हम इसमें इस तरह से चम्मच चलाएंगे इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे यहाँ पर और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको मिक्स करते हुए चार पाँच मिनट के लिए पका लेंगे तो इसी तरह से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और जो आलू के बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं उनको हम तोड़ लेंगे और यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से पका लिया है आलू हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं अब हम यहाँ पर डाल देंगे नींबू का जूस आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया तो खट्टा अपने हिसाब से रख लेना जैसा आपको चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है आप यहाँ पर थोड़ा और नींबू का जूस डाल सकते हो तो इन सबको मिक्स कर लेंगे आलू हमारे एकदम तैयार है फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हमारे जो आलू है वो जल्दी से ठंडे हो जाएँ ये देखिए बहुत ही चटपटे से हमारे आलू तैयार हो गए हैं और इधर ये हमारे डो को भी रखे हुए बीस मिनट हो गई है डो हमारा एकदम तैयार हो गया है अब ये मैंने हाथ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है इसको हम इस तरह से कुछ सेकंड के लिए गूँध लेंगे ये देखें तो यहाँ पर हम इसको बोर्ड पे रखेंगे और कुछ सेकंड के लिए गोंद के तैयार कर लेंगे और ये हमारा डो एकदम तैयार हो गया है अब हम इसके अंदर से छोटे छोटे पीसीस कट कर लेंगे ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा डो तैयार हुआ है तो अब हम एक एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे यहाँ पर हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे इसके फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए घंटी पर जरूर से क्लिक कीजिएगा उसी से मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है और ये देखें यहाँ पर ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं अब हम एक एक पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर ये सूखा मैदा लगा लेंगे और इसको बेलन की मदद से हम बेल के तैयार कर लेंगे तो बस इसी तरह से बेलना है जिस तरह से हम रोटी बेल के तैयार करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने रोटी बेल के तैयार कर ली है अब हम यहाँ पर ये हाफ रोटी के ऊपर इस तरह से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ये देखें इस तरह से और बस इसके ऊपर हम सूखा मैदा डाल लेंगे ये देखें और इसको हाथ से खूब अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से एक चाकू की मदद से हम इसको कट कर देंगे इसके किनारे छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर ये मैंने घोल तैयार किया हुआ है मैंने इसके अंदर दो तीन चम्मच पानी और एक चम्मच मैदा डाल के घोल तैयार कर लिया है ये मैंने किनारों पर लगा दिया है अब मैंने इसका दूसरा किनारा उठाते हुए इसके ऊपर इस तरह से सेट कर दिया है मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ये घोल लगा लिया है और इसके दोनों किनारों को हम इस तरह से चिपका लेंगे आपस में ये देखें और ये हमारा कोन तैयार हो चुका है यहाँ पर डाल देंगे हम ये पनीर और इसके अंदर डाल देंगे ये तैयार किए हुए आलू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलू ना डालें वरना तो हमारे जो समोसे हैं उनका फटने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये देखें यहाँ पर ये मैंने आलू डाल दिए हैं खूब अच्छे से सेट कर दिए हैं और इसके किनारे पर हम इस तरह से ये घोल लगा देंगे जो हमने तैयार किया हुआ है और बस इसके दोनों किनारों को हम इस तरह से चिपका लेंगे तो यहाँ पर इसको खूब अच्छे से चिपकाना है ताकि ये फ्राई होते वक्त खुले ना और ये देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा लच्छेदार समोसा तैयार हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त बना है तो इसी तरह से हम सारे के सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे हम इसको एक साइड रख लेंगे और यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे समोसे तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं तो अब हम इनको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे और इधर ये मैंने कुकिंग ऑयल रख लिया है गर्म होने के लिए ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है तो समोसे भी हमारे खूब अच्छे से सेट हो चुके हैं अब हम एक एक करके इसके अंदर ये समोसे डाल देंगे तो यहाँ पर उतने ही समोसे डालें जितने आपको फ्राई करने हो और ये देखें यहाँ पर ये मैंने समोसे डाल दिए हैं दो मिनट के बाद हम इनको दूसरी साइड पलट लेंगे ये देखें इनके अंदर हल्का सा कलर आ गया है तो फ्लेम को एकदम लो रखें और लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे तो इसी तरह से हम इनको दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी खस्ता नहीं हो जाते और फ्लेम को लो ही रखेंगे फ़्लेम को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे लच्छेदार समोसे तैयार हो गए हैं ये देखिए आप बहुत ही प्यारा कलर आया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे समोसे हमारे एकदम तैयार हो है। चुके हैं ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं तो फ्रेंड्स इनको ज़रूर से बनाना जरूर से इन्जॉय करना बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है और आप इनको बनाकर कर फ्रीज भी कर सकते हो और ये देखिए ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेंगे और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही टेस्टी चटपटे से ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं और इसके साथ ये मैंने फ्रेंच फ्राई भी फ्राई किया है इसकी रेसिपी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारी फ्रेंच फ्राई बनी है इनको भी मैंने फ्रीज किया हुआ है तो फ्रेंड्स ज़रूर से बनाएं ज़रूर से एंजॉय करें आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से बताइएगा तो फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़